अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 33। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है और मैं यहाँ पे जा रही हूँ डॉल्मन मॉल हैदरी ब्रांच पे। सो डॉल्मन मॉल की तो मैं सारी सैर करवाऊँगी आपको। इसके अलावा जी, मदर्स डे है कल और आज मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ कराची में और मेरी फैमिली जो अब्बू की तरफ की है वो सारी रहती है रावलपिंडी में। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके जा रही हूँ, उनके लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ और उनको भी कुछ भी नहीं पता। तो मैं बेसिकली जा रही थी खाड़ी पे, तो मैंने सोचा चलें जी डॉल्मन मॉल चलते हैं। तो एंटर हो चुके हैं हम और मैं काफ़ी सारे आपको आउटलेट्स दिखाऊंगी, प्राइसेस भी साथ साथ बताऊंगी, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अच्छा जी, तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं उनको भी कुछ भी नहीं पता, सरप्राइज़ गिफ्ट लेना है मैंने उनके लिए और उनको लग रहा है कि ड्रेस मैं अपने लिए लेने आई हूँ और लेट्स सी वो कुछ पसंद करती हैं कि नहीं करती हैं, क्या होता है, वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखना है आपने। सो चलें जे डॉट पे चलते हैं और ड्रेसेस दिखाती हूँ आपको। सो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ड्रेसेस देख रहे हैं आप, ये हैं जी 2690 के, एम्ब्रॉयडर्ड हैं ये और टू पीस हैं। और इसके साथ ये जो ऑर्गेन्जा दुपट्टे वाला है ये 2190 का है। और अच्छा एक बात बताऊँ, सेल लग चुकी है जे डॉट पे अप टू 50% 22 मई तक, ओके, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हैं जी प्रिंटेड थ्री पीस और इनकी जो प्राइस है ये है 3190 की और ये है लॉन दुपट्टे के साथ। और ये जो रो है इसकी प्राइस है 2990 थ्री पीस। अच्छा जी, तो यहाँ पे जेकॉर्ड बहुत ज़्यादा इन है आजकल और इसकी प्राइस मुझे याद भी नहीं है और मैं शूट करना भी भूल गई, लेकिन 5000 से ऊपर की इसकी प्राइस थी। सो बात करें अगर इनके एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस की थ्री पीस की, तो इनकी प्राइस है 5290 रुपीस। अच्छा, तो सारा तो मैं विज़िट नहीं करवा सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा से ही करा रही हूँ। अब थोड़े से रेडी टू वियर मैंने ड्रेसेस देख लिए हैं और इनकी प्राइस भी मैं देखना भूल गई थी, लेकिन लेने हैं तो अप टू 50% आप लोग जा सकते हैं एंड वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके। और यहाँ पे एक और ये रेडी टू वियर है, इसकी प्राइस क्या है जी, इसकी प्राइस है आई थिंक 6690 रुपीज़। तो इसके साथ ही मैं चली गई हूँ जी अलकरम स्टूडियो, यहाँ से एक ही क्लिप लगा सकी हूँ क्योंकि वो लोग शूट भी नहीं करने दे रहे थे और बस इतना सही दिखा सकी हूँ। अब मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या है। खाड़ी पे जाना था और खाड़ी का जो आउटलेट है अभी वो रेनोवेट हो रहा था, इसलिए बैड लक हो गई ये बहुत। तो खाड़ी का जो आउटलेट बन रहा है वो थर्ड फ्लोर पे है, ऊपर मैं गई थी लेकिन रेनोवेट हो रहा था, फिर मैं वापस नीचे आ रही हूँ और सोच रही थी क्या करें क्योंकि खाड़ी के ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद हैं और मेरी मदर इन लॉ को भी काफ़ी पसंद हैं। तो अब जी वापस जाने की तैयारी कर रही थी लेकिन फिर मुझे सामने नज़र आया है, क्या नज़र आया अभी दिखाती हूँ क्या नज़र आया। तो ये सामने नज़र आया है बुनैनजा सतरंगी, तो मैंने सोचा चलें यहाँ पे देखते हैं। इसका भी जो फैब्रिक है बहुत मज़े का फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ से भी ड्रेसेस देखे हमने काफ़ी, लेकिन काफ़ी इनके जो कलर कॉम्बिनेशन थे वो डार्क थे तो हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। मेरी मदर इन लॉ को भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे कि उनको बिल्कुल लाइट सा सोबर सा जो कलर्स हैं वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से हमने सोचा कि चलो जी चलते हैं। और जाते जाते मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे 5 स्टार लेके चलें, कि 5 स्टार में खाड़ी का आउटलेट है। तो अब हम जा रहे हैं जी 5 स्टार।
अच्छा, 5 स्टार से मैंने जो शॉपिंग की है वो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, और कहाँ से शॉपिंग की है ये भी देखिएगा। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पहले खाड़ी पे। तो यहाँ ईद के 4th डे में गई थी, सबसे अच्छी बात, सबसे मज़े की बात कि जगह जगह हम लोगों को पार्किंग मिल रही थी, वरना पार्किंग जो नहीं मिलती है एक अजाब होता है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन आपको दिखा रही थी और अब मैं जा रही हूँ जी खाड़ी। ओके, तो खाड़ी में अभी तक कोई भी सेल नहीं लगी है, और इसके अलावा अभी जो मैं ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ ये 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड हैं और 1790 प्राइस है इनकी। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रिंटेड 3 पीस हैं और इसकी प्राइस है 3690, और ये सारा न्यू अराइवल है। सॉरी, ये प्रिंटेड नहीं, एम्ब्रॉयडर्ड 3 पीस है और इनकी प्राइस 3690 है। ओके, न्यू अराइवल में। अच्छा, तो खाड़ी पे ये जेकॉर्ड के बहुत खूबसूरत थे, इनकी प्राइस है 6290 रुपीज़, लेकिन खाड़ी पे जेकॉर्ड बहुत ही कमाल और धमाल है। और इसके साथ ही जो अभी मैं दिखा रही थी 3 पीस, ये प्रिंटेड है 2590 के, ये भी सारा न्यू अराइवल है। अच्छा, एक कपड़ा होता है जिसपे एम्बोस का काम होता है, ठीक है, फैब्रिक के ऊपर, तो ये वाला, इसको एम्बोस बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं या और क्या इसको बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा अगर पता हो तो। और इसकी प्राइस है 3590 रुपीज़, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एम्बोस अट्रैक्ट बहुत करता है लेकिन मुझे लगता है ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद मैं गई हूँ जी रॉयल फैशंस पे। मैंने बहुत ही अच्छी शॉप डिस्कवर की है, काफ़ी टाइम से मैं डिस्कवर कर रही थी कोई अच्छी शॉप जहाँ से प्रिंटेड ड्रेसेस या और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस अच्छे मिलें। तो अंदर चलते हैं और कुछ जो मैंने ड्रेसेस ख़रीदे हैं वो भी दिखाऊंगी, इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ, और लोकेशन दिखा रही हूँ ये वहीं खाड़ी से, आई थिंक एक शॉप पहले है कि खाड़ी के साथ ही है। ठीक है, अब चलते हैं अंदर और आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रिंट्स दिखाती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे सेल भी है 23%, 35%, तो लेट्स गो। ये कौन सी लॉन है? रशी टेक्सटाइल की, फ्लोरा के नाम है। इसकी क्या प्राइस है? 2250। और ये वाले जो हैं? ये सब एम्ब्रॉयडर्ड है। हाँ, इनकी प्राइस बताइएगा मुझे। प्राइस क्या है इसकी? 3850 का, 2600 रुपये का पड़ेगा। बाकी इसमें प्राइस डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, खाने के लगे हमें 3350 का, 2500 का, 1900 का वगैरह का, 3000 का है तो आप 2100 का हो जाएगा। मैं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये ब्लू वाला है, ये दिखाइएगा ब्लू वाला, ये नहीं, वो प्लेन है। अच्छा, प्लेन बिल्कुल अलग नहीं है, कंट्रास्ट में। इसकी क्या प्राइस है? 2850 का। ये स्लीव्स है, ये पाइपिंग वगैरह के लिए बॉर्डर दिया गया अलग से आपको, ये इसका दुपट्टा, ये इसमें। इसकी क्या प्राइस है? ये 2750 का, ये दो नहीं है 2600।
खेल में बोला तो इसकी क्या प्राइस है? 2600। और ये लॉन कौन सी है? 2700। ओके, तो रॉयल फैशंस की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। जितने मर्जी प्रिंट्स खुलवा लो, जो मर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे, मेरी मदर इन लॉ ने भी लिए थे, कुछ पसंद नहीं आए थे तो चेंज भी करवाए थे, वो भी दिखाऊंगी। प्यारा लग रहा है, अच्छा है। भाई अम्मी को पसंद आना चाहिए, बाकी वो नहीं है, इनको पसंद मुश्किल से आता है। अच्छा लगा? हाँ अच्छा है। तुम लोग मैम कर लूँगी, मैं भी ले लूँगी, लिया है ना मैंने एक। देखें आगे स्लीव्स हैं, बैक है, फ्रंट वाला है। तार क्या भाई, ऐसे कलर्स आपके हैं? नहीं नहीं भाई, वो वाला करें, वो ज़रा खिलता हुआ थोड़ा कलर है, ये वाला करें। बाकी सारे डिजाइनर्स हैं इनके पास। अच्छा जी, तो कुछ ड्रेसेस हमने ले लिए हैं। जो मेन टास्क था कि अम्मी को जो ड्रेस पसंद आएगा वही मैं उनको गिफ्ट करूंगी, तो फाइनली ले लिया है। शॉप का नेम क्या है आपकी? एक मिनट, रॉयल फैशंस। अच्छा जी, अभी हम घर तो जा रहे हैं, लेकिन कल हम दोबारा वापस आए थे क्योंकि अम्मी को एक ड्रेस पसंद नहीं आया था तो वो चेंज करवाया था। तो चेंज जब करवाते हैं तो जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो बहुत ही रूड हो जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वीडियो दिखाती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे 10 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, और इन्होंने बहुत इजीली हम लोगों को रिटर्न कर दिया, सॉरी एक्सचेंज कर दिया, रिटर्न नहीं करते हैं, एक्सचेंज कर दिया है। काफ़ी सारे प्रिंट्स और हमने देखे हैं, और उसके बाद जो अम्मी को पसंद आया फिर हमने फाइनली वो ड्रेस ले लिया है। दो ड्रेसेस चेंज कराए थे और बाकी पसंद आए थे, तो मैंने अपना वाला नहीं चेंज कराया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। थोड़ा ग्रीन ग्रीन में भी देख लें, ये फ्रोजी अच्छा लग रहा है। ब्लू ही ये वाला निकालिएगा, ब्लू वाला जी। प्रिंट बहुत बड़ा अम्मा इसका। ये इसका ट्राउजर कौन सा? ये है ट्राउजर। ये इसमें कौन कौन से भाई कलर्स बताएं? ये इधर से निकाला था ना। तो अम्मी को पसंद आते हैं लाइट लाइट से कलर, या उनका ब्लैक फेवरेट है, तो एक ब्लैक ले लिया हमने और एक लाइट सा हम लोगों ने शेड ले लिया। तो यहाँ पे जी शॉपिंग कंप्लीट होगी, और इसके बाद जी हमारी अम्मी ने हमें ट्रीट दी है। सो क्या ट्रीट दी है वो भी आपने देखनी है। जो डिनर था हमारा वो भी मैं आगे वीडियोज़ साथ अटैच करूँगी, तो आपने ज़रूर देखनी है। सो ये है जी गोसिया सिल्वर स्पून का चरगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, साथ चटनी और इसके साथ
पूरी पराठे, पूरी पराठे बहुत मज़े के। चरगा कुछ इस तरह का है, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार। मैं अभी वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये था आज का डिनर और बहुत ही मज़ेदार हम लोगों ने ये मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। छोटी छोटी सी ये खुशियाँ होती हैं और मैं ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ मदर्स डे, फादर्स डे या बर्थडे होती है, एनिवर्सरीज होती हैं, कि इसी से प्यार मोहब्बत बढ़ता है छोटे छोटे से गिफ्ट्स देने से। तो आप लोग भी किया करें अगर नहीं करते तो। तो व्लॉग पसंद आया हो तो आपने लाइक कमेंट ज़रूर करना है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी मदर्स डे, अल्लाह हाफिज़।